ये है मेन मशीन, इसको आप स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं फिर चला सकते हैं यहाँ से, और लगातार चलाना है। आप यहाँ से स्पीड फिक्स कर दो और ऐसे दबा कर इस बटन को दबा दो, ये लगातार चलेगा। कितना बढ़िया है ना, थोड़ी सी कीमत ज्यादा है, देखो इससे सस्ता भी है, लो प्राइस में भी मिल जाता है 2600 2650 रुपए में। लेकिन अगर आप ये स्पीड वाला लेंगे ना, जो स्पीड डायल होता है जिसमें कि आप अपनी इच्छा से 1 से लेकर 6 तक स्पीड इसमें बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने आप जितना इसमें फिक्स करेंगे उतना ही चलेगा, इसीलिए इसकी कीमत ज्यादा है। इसकी कीमत है 2800 रुपये। अगर आप सेल में लेंगे तो आपको शायद सस्ता मिल जाए। और सबसे बड़ी खूबी ये है ना, ये देखो अलग अलग है, इसको आप जोड़ कर लगा सकते हैं, फिर इसको खोल कर आप किसी भी बैग में या किसी बॉक्स में इसको रख सकते हैं। और देखो लाइट वेट, उतना हैवी नहीं है। अब हम इसको चला के दिखाते हैं, ठीक है। ना ऐसे फिट करेंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको पूरा टाइट करो चाबी से, ठीक है, और नहीं तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि फिर आसानी से खोल पाओगे, ठीक है। और फिर खोलना है तो आप ऐसे खोल कर आप ले जा सकते हो कहीं पर, ठीक है, ये आसानी से साफ भी हो जाएगा। और इधर वाला हिस्सा ये मशीन में लगेगा इस तरीके से, ठीक है, ये देखो। और ये ड्रिल मशीन में थोड़ा दिक्कत करता है कि हम जब ड्रिल में पुट्टी मिक्स करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि उसके जो चंक के अंदर हम जो रॉड लगाते हैं तो बैलेंस देखना पड़ता है, तो 2-3 मिनट उसी में चला जाता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स तो वो भी अच्छे से कर देता है, लेकिन इसमें क्या है, सीधा आप ऐसे चूड़ी कस दो और अपना पुट्टी मिक्स करो, टाइम की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होती। जो 1-2 मिनट का भी जो टाइम लगता था वो भी अब हमारा बच जाएगा, इसीलिए हमने इसको लिया है। और देखो इसकी कीमत है 2800 रुपये, लेकिन इसमें देखो स्पीड डायल मिलता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। और अगर कार्बन खराब हो जाए तो आप दोबारा फिर चेंज करवा सकते हो, इसके साथ मिला है। और ये देखो हैंडल एक अलग से भी होता है ना, देखो आप यहाँ लगा सकते हो, ऐसे लगाकर आप फिर जब पुट्टी मिक्स करेंगे ना, हम इससे आपको पुट्टी मिक्स भी करके दिखाएंगे, ठीक है ना। देखो ऐसे लगाकर आप इस तरीके से पकड़ सकते हो, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे दबाओ और इस तरीके से कर दो, जितना मर्जी स्पीड पे रखना है रखो। देखो टेप लग गया हाथ में, ये देखो। और देखो इसका नाम है स्वदेशी क्राफ्ट, ठीक है। और ये सस्ता वाला भी आता है, लेकिन उसमें आपको स्पीड डायल नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये रॉड अलग से भी आता है, खरीद सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा लगा के दिखाते हैं बोर्ड पर, इसको काट देते हैं। इसका केबल कितना लंबा है कुछ पता है आपको? देखो कैशबैक में भी मिलेगा 200 रुपया, देना देखिए, ये एक पर है, तो 6 पे रखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही में इतना तेज दौड़ रहा है, ये देखो। और देखो यहाँ पर दबाओ, ये देखो ये लगातार चलेगा, और इससे देखो 2 3 4 5 जब देखो, ये इतना अच्छा है, ड्रिल मशीन भी हमारा अच्छा है, ब्लैक एंड डेकर का, जिसमें हमने मिक्सिंग रॉड लगा रखा है ना, वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन उसमें क्या है, जो 5 मिनट टाइम चला जाता है, उसकी जो लहराता रहता है ना, अगर उसका बैलेंस अगर हम नहीं देखेंगे वो चंक के अंदर लगता है। और इसमें है चूड़ी, इसमें चूड़ी कस दो फटाफट पुट्टी बनाओ, कोई टेंशन नहीं, तो वो 5 मिनट बचाने के लिए और समय के साथ चलना पड़ता है, ठीक है ना। अगर हमें ज्यादा पुट्टी बनाना होगा, वो 10 किलो पुट्टी से ज्यादा नहीं बना पाता है ड्रिल मशीन, लेकिन इससे शायद हम 15-20 किलो भी पुट्टी शायद बना सकते हैं, क्योंकि बहुत हाई स्पीड है इसका। अभी हमने आपको चला के दिखाया है ना,
छह नंबर तक तो चलाने की जरूरत ही नहीं होगा इसको, बहुत स्पीड हो जाता है, ठीक है ना। और ये बहुत बढ़िया है, आप भी खरीद सकते हो, देखो सस्ता है, आपको दूसरे किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। वो सस्ते के चक्कर में 100-150 रुपए के चक्कर में अपने पैसे को बर्बाद मत करना, ठीक है। इसका सस्ता भी मिलता है 2600-2650 रुपए में, उसमें स्पीड डायल नहीं मिलेगा आपको, वो मत लेना, ठीक है। और देखो ये फोल्ड वाला भी है और बिना फोल्ड वाला भी आता है, ठीक है ना। तो आप जैसा चाहें वैसा लगा सकते हैं इसमें। तो ऐसा वाला लेंगे तो क्या होगा, आप किसी भी बॉक्स के अंदर रख के आसानी से इसको इस तरीके से, देखो ऐसे किसी भी बैग में रख के, ऐसे देखो किसी भी बैग में रख सकते हो, किसी भी बॉक्स में। इसका हैंडल भी खुल जाता है ये वाला, देखो कितना आसानी है, मतलब कितना बढ़िया, लाइट वेट भी है, ठीक है ना। उतना भी हैवी नहीं है कि आप इधर से उधर ना ले जा सके। अब जब मैं इसको यूज करूंगा, साइड में लेकर जाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ड्रिल मशीन और इसमें कितना अंतर है। और देखो ये बहुत ही ज्यादा महंगा भी नहीं है, 2800 रुपए में बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है ना। इसमें इन्वेस्ट करने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें स्पीड डायल भी दे रहे हैं, इसीलिए 2800 रुपए में इतना ठीक है। आप लोग भी लीजिए, क्योंकि इसमें बैलेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें चूड़ी टाइट कर दो और पुट्टी मिक्स करो, बस जोड़ने में जितना टाइम लगता है बस। देखो इसकी केबल की लंबाई कितना है, 1.25 मीटर का ये केबल है, ठीक है। अच्छा ये वाला जो चाबी है, ये छोटा वाला देखिए, ये यहाँ का है, ये देखिए। अगर आपको टाइट करना है ना, देखो यहाँ लगाए और ये वाला पहले खोल के हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। ऐसे जब आप लगाएंगे, लगा दिया आपने, अगर आपको इसको टाइट करना है ज्यादा, तो आप ऐसे पकड़ के रखो और यहां से आप टाइट कर सकते हो, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। इसलिए दो चाबी है, ये सिर्फ यहीं यूज कर सकते हो, लेकिन इसको हम यहां पर भी यूज कर सकते हैं और इसमें भी, और फिर इसको इस तरीके से, इसको भी टाइट करना है, इससे टाइट कर सकते हैं और यहाँ से इसको यहाँ लगा सकते हैं, देखो इस चाबी को, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, और ये है हैंडल, एक्स्ट्रा हैंडल, ये खुल भी जाता है, लग भी जाता है, ये देखो हो गया टाइट। अच्छा ये देखिए कार्बन है, घिस जाए तो आप दो कार्बन इसके साथ मिलाए तो आप चेंज करवा सकते हो, ठीक है। 150 रुपये लेता है जो लोग रिपेयर करते हैं ना। और केबल के लिए तो मैंने बोल ही दिया आपको, ये 1.25 मीटर है, इसमें स्पीड डायल है, लगातार आपको चलाना है तो आप इस बटन को दबाओ और इसको दबा दो, देखो लगातार चलेगा, और जितने पे रखना है आप रखो, ठीक है। अच्छा इसकी हाइट कितनी है ये भी मैं आपको बता दूँ, ये इस हैंडल से लेकर देखो 1 फिट यहाँ तक, देखो ये मशीन पूरा 1 फिट का है, यहाँ तक, ये देखो 1 फिट का है हैंडल से लेके यहाँ तक, ठीक है। 2 फिट देखो, लगभग ये मान के चलो आप 3 फिट है इसकी, यहां से लेकर यहां तक 3 फिट है, मतलब थोड़ा सा कम है, एक और देखो इतना अच्छा है ना इसका, ये रॉड ये गिरता भी नहीं, अगर आप ऐसे रख भी दोगे ना, अगर प्लेन सरफेस होगा तो गिरेगा भी नहीं, देखो कि बाल्टी में पुट्टी बनाएंगे तो देखिए 20 लीटर की बाल्टी में, देखिए यहाँ तक ये 20 लीटर में आ जा रहा है, देखो यहाँ तक, ठीक है ना, आपके इतना रॉड बच जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप बड़े वाले जो बाल्टी है उसमें भी आप मटेरियल बना सकते हो, कम से कम 15-20 किलो पुट्टी आप बना सकते हो, क्योंकि हैवी रॉड है और इसमें स्पीड डायल भी है, मजबूत है, और ये बड़ा होने की वजह से इसको साफ करने में भी आसानी है, अच्छा है। इसको उठा के भी देखते हैं, देखो ऊपर से, ये देखो ये अच्छा है, देखो इसकी थिकनेस, इसका जो
पूरी तरीके से अच्छे से रिव्यू करेंगे हम जब इसको पुट्टी मिक्स करेंगे साइड पे ले जाके, तब हम बताएंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ है ना, फोल्ड हो जाता है, ये यहाँ से भी खुल जाता है, यहाँ से भी खुल जाता है, ये है सबसे बढ़िया बात। अरे देखो हैंडल भी खुल जाता है और लाइट वेट भी है, ठीक है ना। और हमने जो चलाया है ना, इसकी स्पीड भी बहुत अच्छा है। देखो एक बार और चला के दिखा देते हैं, देखिए चला के दिखाएं, ये देखो कितने पे है, एक पे ही चलाते हैं तो बहुत तेजी से चलेगा। ये देखो बहुत बेहतरीन, इसका बैलेंस भी बहुत बढ़िया है, मतलब लहराता नहीं है। जब हम ड्रिल मशीन में लगाते हैं ना ये मिक्सिंग रॉड, तो उसको काफ़ी फिक्स करना पड़ता है, उसकी बैलेंस को बनाना, क्योंकि चंक के अंदर लगता है। लेकिन इसमें चूड़ी, इसमें बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, ये देखो हल्का सा करता है, हल्का सा लहराता है, लेकिन मटेरियल नहीं है ना, खाली खाली हवा में चला रहे हैं। तो कम से कम 2 फीट लंबा ये रॉड है, तो थोड़ा सा तो हिलेगा ही, ठीक है ना।